गली दिख रही है। हाँ, मेरा मिनट फिर जी जी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन पर आज बोलने का अवसर दिया है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर की एक गंभीर समस्या को आपके सामने रखना चाहता हूं। विश्व प्रसिद्ध झील नैनीताल, उसको बहुत खतरा है। वहां पर इतना ज़्यादा भार बढ़ गया है कि पिछले दिनों में माल रोड जिसमें घूमते हैं सब लोग, अंग्रेजों के ज़माने से घूमते हैं, तो वो धस गई थी। करीब 1.5-2 साल के इस शहर में इतना ज़्यादा भार हो गया है, पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है। जहां 700 वाहन आने की गुंजाइश थी, वहां पर आज 7000 वाहन पर डे आ रहे हैं। वहां पर रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है। हल्द्वानी से नैनीताल पहुंचने में कम से कम जो 1 या 1.5 घंटा लगता था, आज वहां 8-8 घंटे लगे रहे लोग जाम में, उसमें बहुत ही फंस गए मान्यवर। एनजीटी की रिपोर्ट भी बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा है कि झील की जो रिचार्जिंग क्षमता है वो भी समाप्त हो गई है। और मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, साथ में वहां के शोध भी सूख रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बात